पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा भारत पर हमला करने के बाद हर बॉलीवुड ने पाकिस्तान कलाकारों के साथ काम नहीं करने की कसम खाई है। लेकिन फिल्म उद्योग के लोग अपने शब्दों पर बहुत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीने एम्प्लॉयज FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने कहा कि FWICE ने जम्मू एवं कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान करने का निर्णय लिया है। पंडित ने कहा, FWICE पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने की जिद करने वाले फिल्म निर्माताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। सीमा पार से हमारे देश पर बार बार हमले होने के बावजूद पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने की जिद करने वाली संगीत कंपनियों को शर्म आनी चाहिए। चूँकि उन्हें कोई शर्म नहीं है तो हमें उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर करना होगा। 14 फेब को हुए हमले के बाद पंडित जम्मू में थे। वहां का दृश्य देखकर वह व्यतीत हो गए। उन्होंने कहा, जम्मू एवं कश्मीर के बाहर से हम जितने नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं, नुकसान उससे कई गुना ज्यादा है। इसकी भरपाई में सालों लगेंगे। एक व्यक्ति इतना ज्यादा RDX लेकर जम्मू एवं कश्मीर में छिपकर कैसे आ सकता है? ऐसे समय में जब आतंकवादी हमले इतने ज्यादा हो गए हैं, तब यह सोचना मुश्किल है कि हमारे मनोरंजन उद्योग में कुछ लोग कलाकारों के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा, किस तरह की असुरक्षा इन्हें इस स्वार्थ के लिए प्रेरित करेगी? जो भी हो, अब इसे रुकना होगा। FWICE और फिल्म तथा टीवी उद्योग के उसके 24 संघों ने शहीदों और उनके परिजनों के सम्मान में रविवार को अपराह्न 2 बजे से 4 बजे तक यहां फिल्म सिटी दरवाजे से एकजुटता मार्ग निकाला।